नहीं अरे सर, तो मेरा पॉइंट ये है कि हमारा जो क्लास हुआ है, एक्चुअली ये क्लास जनरली 3 महीने का होता है। बीच में कुछ वैकेशंस आ गए, मेरे भी प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज आ गए, तो उस चक्कर में हमको थोड़ा समय लग गया, एक 4 साढ़े 4 महीने लग गए क्लास को, ठीक, विच इज ओके। लेकिन हमने कोई हड़बड़ी नहीं किया और वी वर एबल टू कंप्लीट द क्लास विथ ऑल द सिलेबस। सो आपका ऐश्वर्या, कैन यू हियर मी? यस ओके, आपका फीडबैक कैसा है? मतलब क्लास अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सर समझने में सर, दिक्कत गई? नहीं सर, खूब शानदार आपके तरफ से कोई फीडबैक? है। तुम्हें खूब शांत भी बोलो, तुम्हें खूब डीपली नॉलेज दिला है क्लास अब मैंने को। ओके मी माझ्या साईडने तुम्हाला नॉलेज दिलेलं आहे, आता तुम्हाला त्या नॉलेजचा वापर करून चांगल्यापैकी नोकरी सर्च करा, जॉईन यस करा, सर, आणि नक्की मला फक्त एक मेसेज करायचा आहे की सर आम्हाला जॉब लागलेली आहे। आय विल बी हॅपी विथ दॅट, ओके? आय डोंट नीड एनी स्वीट, आय डोंट नीड एनी कॉम्प्लिमेंट्स, जस्ट मेसेज मी। बरेचसे मुलं काय करतात की जॉब लागले तर आम्हाला कळत पण नाही, नंतर इन्स्टिट्यूटमध्ये मी जेव्हा विजिट करतो, अरे उसको जॉब लग गए, अरे उसको जॉब लग गए, अरे यार मेरे को तो बताया नहीं मेरे स्टूडेंट ने, ठीक है। फीडबैक आपके तरफ से कोई? हेलो। हाँ, तुमच्याकडून काही सजेशन वगैरह? हे सर, मीन क्लास खूप छान झाला आहे, तुम्ही खूप छान शिकवलं। चालेल, थैंक यू, थैंक यू। यस अक्षय, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा था, अभी ठीक हो गया वॉइस प्रॉब्लम? हाँ बोलिए। ये तो सर आवाज बहुत धीमा, तुमचा आवाज एकदम बारीक येते हैं एक्चुअली अक्षय। सर, माझा माझा प्रॉब्लेम है सर, थोडा सचिव। अच्छा, हाँ बोला। क्लास एकदम छान शिकवला सर तुम्ही, क्लासच्या बाबतीत काही नॉईस भी दिसत सर, हिंदी इंग्लिश दोन्ही, हिंदी और मराठी लँग्वेज मध्ये पण शिकवलं तुम्ही, प्रॉब्लेम नाही सर। आणि जे डाऊट्स होते ते डाऊट्स मध्ये पण तुम्ही चांगले आम्हाला मदत केली सर। तुम्हाला हा क्लास जॉईन करण्याचा तुमचा जो पर्पस आहे तो सॉल्व झाला की नाही असं तुम्हाला वाटते की नाही वाटत? सॉल्व झालेलं आहे सर, फक्त आता एवढी एकच क्लास झाल्यानंतर जॉब लवकरात लवकर लागेल। हाँ आता ठीक है, मैंने मेरा काम कर दिया, अभी आपको मार्केट में उतरना है, अपना स्किल दिखाना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा, उतना आप इंटरव्यू के लिए मजबूत बनोगे, ठीक यस है? सर, यस सर। चलिए, थैंक यू अक्षय। हिमांशु, गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। क्लास मींस अच्छा हुआ है हमारा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। और अभी मतलब मींस उसमें क्या हम निकालेंगे क्यूरी या फिर पॉइंट? क्लास तो क्लास रहती है और सर तो सर रहते हैं, नहीं, तो आपने इसमें जो भी बताया हमको हमको मतलब एकदम परफेक्टली समझा है सर अच्छे से। अब नाउ आवर चांस कि हमको अभी आगे कैसा करना है, क्या करना। करेक्ट। अभी आपको जितना भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, आपको उसकी उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना है। जब तक जॉब नहीं लगती है तब तक प्रैक्टिस करते रहना है। हम आपका कोई सिस्टम का एक्सेस वगैरह नहीं निकालने वाले हैं, रिकॉर्डिंग भी आपके पास में रहेगा। आपका सिस्टम में ऐसा कंट्रोल आ जाना चाहिए कि आपको रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़े और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है? चलिए, जागृति। हाँ यस सर, गुड इवनिंग सर। बहुत ही अच्छे सेशन थे आपके, लाइक SAP कम्प्लीटली नया टेक्नोलॉजी था। अगर कभी भी अभी हम लोग ये सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे तो मतलब पहले आप ही की याद आएगी, मतलब कम्प्लीटली आपने पूरा अच्छे से बेसिक से हर चीज सिखाया। सो नॉलेज तो बहुत सारी, मतलब बहुत नई, जैसे मेरा तो पूरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था सर, तो मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग रिलेटेड मतलब बहुत सारी नई चीजें भी सीखी है। सो अच्छा था सर ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। एनी फीडबैक, नेगेटिव ओवरऑल सर पॉजिटिव? नहीं, अच्छा था, चलिए, पॉजिटिव ही आपके बारे में तो। थैंक थैंक यू। ओके, यू आर सर। थैंक यू। आरती मैडम पण आलेल्या आहे। हाय आरती, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मॅडम, मधा मधा तुम्ही गायब झाले होते।
सर बाळ आजारी ऍडमिट होत त्यामुळे अच्छा जरा अच्छा प्रॉब्लेम ओके ओके, काय काय हरकत नाही, बाळ निमोनिया झाला होता चालेल, काय त्यामुळे. काय हरकत नाही. रेकॉर्डिंग सगळे दिलेले आहे तुम्हाला, ठीक आहे. जेव्हा कधी तुम्हाला वेळ मिळतो तुम्हाला प्रॅक्टिस करायचं आहे, ठीक आहे. पण ओवरऑल तुमचा क्लासचा अनुभव कसा आहे? माझा तरी म्हणजे चांगला आहे क्लासचा अनुभव. म्हणजे मला जोपर्यंत आतापर्यंत जितके सर आलेत त्यांनी जितकं नाही समजून सांगितलं तितकं मी या क्लास मधून शिकले खूप. म्हणजे रेकॉर्डिंग जरी ऐकलं तरी कळतंय मला असं. चालेल चालेल, थँक्यू व्हेरी मच. आजचा शेवटचा दिवस आहे हे माहित आहे ना? हो. चालेल, थँक्यू. कमिंग टू कार्तिक, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक. सर आम्हाला तुम्हाला भेटत होतो सर. तर तुम्ही शनिवारी रविवारी येऊ शकता, मी तुम्हाला मेसेज करणार, तुम्ही येऊ शकता, भेटू शकता. पुण्याला? हां, पुण्यालाच यायचंय तुम्हाला. पुण्यामध्ये कुठे आलो सर तुम्ही? खराडी, खराडी कुठे पण? खराडी आमचं इन्स्टिट्यूट नाही बघितलंय का तुम्ही? मी तिथं येतो. बघितलेलं आमचं हे ई लर्निंग सोल्युशन इन्स्टिट्यूट आहे ना, बँक ऑफ बडोदा. हा मी तिथेच येतो, मी तिथंच येतो सर, पण तुम्ही दिसत नाही कधी. अच्छा, नाही मी रेग्युलर नाही येत तिथे, ठीक आहे. हा मी डेली जेव्हा असतो सांगणार. तिथे. हा हा अच्छा अच्छा ठीक आहे, चालेल. यस कार्तिक. हा सर, हॅलो. यस कार्तिक. हा सर, क्लास खूप चांगला होता आणि असं म्हणजे असं वाटलंच नाही की लेक्चर ऑनलाईन चालू आहे, असं वाटत ऑफलाईनच चालू आहे की सर्व लेक्चर. बऱ्याचशा सर तुम्ही खरंच असं म्हणजे एकदम असं मस्त शिकवलं तुम्ही, असं काहीच प्रॉब्लेम वगैरे काहीच आला नाही सर. जेणेकरून म्हणजे असं वाटत नव्हतं की ऑनलाईन लेक्चर चालू आहे, असं वाटतं की ऑफलाईनच लेक्चर आहे आपले. बऱ्याचशा मुलांचा हेच डाऊट असते की सर आम्हाला ऑफलाईनच पाहिजे, कारण मग आम्हाला समजत नाही. इनफॅक्ट कसं आहे माहिती आहे का, की ऑफलाईन मध्ये आता मी एकटा बसलेलो आणि माझ्या समोर 10 लोक मुलं बसले असतात, मग मी एकाकडे बघतो, दुसऱ्याकडे बघतो, तिसऱ्याकडे बघतो, सगळे लोक माझ्याकडे बघतात आणि मग सिस्टमकडे बघतात, त्यामुळे त्यांचा फोकस तेवढं नसते. तर त्यांना मी तेच सजेस्ट केलेलं आहे, आपण आता इंटरनेट टेक्नॉलॉजीमध्ये आहो, तर या टेक्नॉलॉजीप्रमाणे आपण पण आपल्याला अपग्रेड करायचं आहे. तुमचं काम काय, सिस्टमवर तुम्हाला फोकस करायचं. मी जे शिकवत आहो सिस्टमवर लक्ष द्यायचं, तुम्ही मला बघून काय करणार, बरोबर? तुम्हाला सिस्टममध्ये कळलं पाहिजे की मी काय शिकवत आहो, बरोबर? हो तेच ना, तेच मी सांगतोय की म्हणजे असं ऑनलाईन लेक्चर आणि ऑफलाईन लेक्चर मध्ये डिफरन्स असतो सर, त्याच्यामुळे तुम्हाला सांगतो. चालेल, थँक्यू. एनी फीडबॅक, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह फीडबॅक? पॉझिटिव्ह सर, निगेटिव्ह काहीच नाही सर, एकदम चांगलं लेक्चर, काहीच वाटलं नाही. हॅलो, थँक्यू. येस सर, मला माझ्या घर कॉलनी जवळच्या विद्यार्थ्यांनी विचारलं तर क्लास ऑनलाईन आहे का ऑफलाईन आहे, म्हटलं ऑनलाईन आहे. ऑफलाईन का बरं घेतलं नाही, म्हटलं ऑफलाईन शिकण्यापेक्षा ऑनलाईन आम्हाला जास्त समजतं नाही असं सांगितलं सर. नाही म्हणून ऑफलाईन घेतलं पाहिजे होतं, म्हटलं नाही ऑफलाईन पॉसिबल नाही, म्हणतं ऑनलाईन आम्हाला परफेक्ट समजतं म्हणतं. ऑफलाईनचे बरेचसे चॅलेंज असतात तुम्हाला, तुम्ही ऑफिसमधून तुमच्या डेस्टिनेशन म्हणजे क्लासवर पोहोचता की नाही पोहोचता, आणि तुम्ही कुठे राहता, ठीक आहे. तुम्ही आता समजा 1-4-5 किलोमीटर डिस्टन्समध्ये राहता तर तो काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही पोहोचू शकता. पण समजा तुम्ही दूर राहता तर प्रत्येक वेळेस तुम्ही पोहोचू नाही शकत आणि ते रेग्युलरचं हॅक्टिक असते. आता आपल्याकडे अपॉर्च्युनिटी आहे, चांगली इंटरनेट टेक्नॉलॉजी आहे, तर आपण करू शकतो. पूर्वी तसं नव्हतं, आपल्याकडे इतके स्ट्रॉंग इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नव्हती, रेकॉर्डिंग ऑप्शन वगैरे नव्हतं, देन ऑफलाईन वॉज ओनली द ऑप्शन. नाव वी हॅव मल्टिपल ऑप्शन, राईट? सो माझ्या हिशोबाने तर सध्या ऑनलाईन जास्त प्रिफरेबल आहे, कारण तुम्हाला डायरेक्ट तुमची सिस्टम दिसते तुमच्या स्क्रीनमध्ये. ओके ओके, चालेल. तसे पोरं म्हटले होते सर मला, तिथं ऑफलाईन ऑनलाईन पेक्षा ऑफलाईन जास्त समजतं कारण सर सोपं. चालेल, तुम्ही काय करा, तू काय कर की आपले जे व्हिडिओ आहे ना त्यांना दाखव, पण हे आमचे शिकवतात या पद्धतीने. सगळं सांगितलं सर मी त्यांना, सगळं सांगितलं. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग येते म्हटलं आम्हाला, पद्धत म्हणजे शिकवते म्हटलं सर, काही डाऊट नाही आला. सर समजलं तर रेकॉर्डिंग आपण डबल डबल पाहून कळत ना सर लगेच. हा तुम्ही मल्टिपल पाहून बघू शकता, तर तो काही मग म्हणजे जे काही डाऊट असतात ते पुन्हा क्लिअर होऊन जातात. ओके, थँक्यू. येस कमिंग टू नामदेव. नामदेव भाई कैसा था सेशन? आई थिंक नामदेव इज ऑन म्यूट. यस नवनाथ गायकवाड. हेलो. हाँ सर. हेलो. हाँ यस नवनाथ.
हाँ सर एकदम खूप छान शिकवलं तुम्ही एकदम म्हणजे जसं की पहिलीच्या मुलांना जसं सर शिकवता ना सेम तसंच एकदम स्लोली एकदम हळू मध्ये एकदम डीपली शिकवलं नाही का म्हणजे आम्हाला काही अडचणच आली नाही कुठे. माझं जे डॉक्युमेंटेशन आहे ना ते मी या पद्धतीने बनवलेलं आहे की जे नवीन मुलं असतात ज्यांना एसएपी बद्दल काहीच माहित नाही ठीक आहे तशा मुलांना मी माइंड मध्ये ठेवून ते डॉक्युमेंट तयार केलेलं आहे. कारण कसं आहे या फेज मी स्वतः गेलेलो आहो. मी जेव्हा 2004-05 मध्ये एसएपी जेव्हा शिकलो होतो तर आमच्या फॅकल्टीने आम्हाला तसं काहीच नाही शिकवलं होतं आणि मी जेव्हा जॉबला लागलो तर मी बरेचसे प्रॉब्लेम फेस केले. मला ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट कन्सेप्ट माहीत नव्हती, मला टॅक्सेशन माहीत नव्हतं, मला बरेचशा गोष्टी माहीत नव्हत्या. इयर एंड क्लोजिंग, मंथ एंड क्लोजिंग जे रिपोर्ट तुम्हाला मी शिकवली, तर हे सगळे जे प्रॉब्लेम मी माझ्या लाईफमध्ये फेस केलेले आहे एस ए पी वर्ल्डमध्ये आल्यानंतर ते सगळे मी डॉक्युमेंट करून मला असं वाटतं की नाही माझे जे स्टुडंट्स आहे त्यांना ॲटलीस्ट मी जे प्रॉब्लेम फेस केलेले ना त्यांना ते प्रॉब्लेम फेस नाही करता आला पाहिजे. प्रॉब्लेम तुमच्या आयुष्यात राहणारच, दॅट इज पार्ट अँड पार्शल ऑफ आवर लाईफ, पण ॲटलीस्ट आय ट्राय टू रिड्यूस इट. तर आता तुम्ही ज्या कुठल्या कंपनीमध्ये जाणार ना तुम्ही एकदम ब्लँक होऊन नाही जाणार की हे तर मला सरांनी शिकवलंच नाही, हे तर मला माहितीच नाही, एकदम ब्लँक नसणार तुम्ही. ठीक आहे, एनी फीडबॅक? सर गुड, एकदम भारी होतो. चला, थँक्यू व्हेरी मच. यस नामदेव. हॅलो सर. येस नामदेव. हा सर, खूप म्हणजे नाही का छान होता सर क्लास. असं आता सगळ्यांचा फीडबॅक तर सर पॉझिटिव्हच येते, म्हणल्यानंतर मी नेगेटिव्ह कसं देणार? नाही, असं काही नाहीये. तुम्हाला जर वाटत असेल की देर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूव्हमेंट, तुम्हाला असं वाटत असेल नाही सर या पर्टिक्युलर पॉइंट मध्ये तुम्हाला काही इम्प्रूव्हमेंट करायची आहे, सो डेफिनेटली आय टेक इट व्हेरी पॉझिटिव्हली. नाही सर, आता तुम्ही एवढा क्लास वगैरे घेताय म्हणजे लेक्चर घेताय म्हणल्यावर तुम्हाला काही सजेशनची गरज पडेल असं मला नाही वाटत. चालेल, थँक्यू व्हेरी मच. यस पूजा. हॅलो सर. सर हॅलो. यस नामदेव. सर मला एक सांगायचं होतं, फक्त आपलं व्हॉट्सअपचा ग्रुप तेवढा चालू ठेवणार सर, म्हणजे नाही का काही प्रॉब्लेम वगैरे आला तर मी काय करणार. आता पुढे जाऊन मी तो व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमधून मी निघून जाणार आणि मी तुमच्यापैकी 4-5 लोकांना त्याचा ऍडमिन बनवून देणार. तर तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही आपसामध्ये त्याचं कम्युनिकेशन करू शकता, म्हणजे तो ग्रुप राहणार, बाकी तुमच्या 3-4 लोकांना मी ऍडमिन बनवून देणार. आय विल नॉट बी पार्ट ऑफ दॅट ग्रुप. ओके चालेल. ओके सर. ओके चला. यस पूजा. गुड इव्हनिंग सर. हाय गुड इव्हनिंग. क्लास एकदम छान होता सर, म्हणजे अगदीच घाईघाई नाही केली. क्लास आपला अगोदरच डिसेंबर एंडिंग पर्यंत क्लोज होणार होता तरी पण तुम्ही छान शिकवलं, म्हणजे हा तेच मी म्हटलं खूप घाईघाई नाही केली. आपला जो ड्युरेशन असतो तो 3 महिन्याचा असतो, पण बघा मी पण जॉब करतो, तुम्ही लोक पण जॉब करता आणि बरेचसे आपले काही फॅमिली कमिटमेंट्स असतात, सोशल गॅदरिंग्स असतात, फेस्टिवल्स असतात, त्यामुळे माझं क्लास मी फ्लेक्सिबलच ठेवतो. मी जास्त मुलांवर पण स्ट्रेस देत नाही, मी स्वतः पण स्ट्रेस घेत नाही. ठीक आहे, म्हणजे आपण क्लास अशी करायची की एन्जॉय केलं पाहिजे, आपल्याला जे ज्या पर्पजसाठी आलो ना तो पर्पज सॉल्व झाला पाहिजे. ठीक आहे, 3 महिन्यापैकी 4 महिने झाले, 4.5 महिने झाले, आय अंडरस्टँड दॅट. पण कसं आहे की दॅट इज पार्ट अँड पार्शल ऑफ लाईफ, होत राहते, कम ज्यादा होते रहता आहे. एनी फीडबॅक, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह? नो सर, पॉझिटिव्ह, छान होता. चालेल चालेल, थँक्यू. ऋतुजा सालवे. गुड इव्हनिंग सर. हाय गुड इव्हनिंग. क्लास खूप छान झाला सर, सगळे कन्सेप्ट एकदम क्लिअर झाले आहे आमच्या आणि तसं तर आपण क्लास मध्ये भेटतो सर, त्याचा काही प्रॉब्लेम इश्यूज नाही. मला काही आडलं तुम्ही तुम्हाला विचारेल, तुम्ही इन्स्टिट्यूटला येतच असता. तो ये भाई क्या नाम है इनका, इनका किनका शिकायत था कि हम क्लास में दिखते नहीं सर? शुभमचा वैभव. नाही शुभमचा. हा तर ऋतुदा सारखे मला भेटत राहते. ठीक आहे, ऍक्च्युली मला वाटते आपण एकमेकाला भेटलो नाहीये ना, त्यामुळे तू ओळखत नसेल मला. That could be one of the... मी सगळ्यात पुढे बसलेलो असतो. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक आहे.
चालेल. त्या मॅडमला विचारायचं की फिकोचे सर केव्हा येतात वगैरे, त्यांना मी तसं इन्फॉर्म करतो ज्या दिवशी आलं, तर ते तुला सांगणार की आले. हो हो ओके चालेल. यस शुभम, तुझं झालं का फीडबॅक? नाही सर, क्लास चांगलं झालं, खूप समजलं मला. आणि मी मधी क्लास अटेंड नव्हता केला, ओलेची एक्झाम होते म्हणून, पण व्हिडिओ बघून मला समजले नाही का, समजायचं मला चांगलं. फीडबॅक खूप छान आहे तुमच्याबद्दल. चालेल. एनी नेगेटिव्ह फीडबॅक? नेगेटिव्ह नाही, एवढे लेव्हल नाही, स्कोप फॉर इम्प्रूव्हमेंट नाही नाही नाही, डीप मध्ये शिकवलं खूप. ओके चला, थँक्यू व्हेरी मच. हां जी आणि हां जी हां, आपल्याला क्लास मधून सर्टिफिकेट काय भेटल की नाही का? आमचा क्लास झालेला. हां हां, तुम्हाला भेटणार ना सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना? कधी काय त्याचं ते आजकल में मिल जाएगा, आप मांग लो इंस्टीट्यूट में, सभी लोग आप इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेट, आपको सॉफ्ट कॉपी आ जाएंगे आपके ईमेल आईडी पर, या आपको व्हाट्सएप में भी आ जाएंगे, उसका प्रिंट निकाल, कलर प्रिंट निकाल के रख लो. कोई नहीं. ओके ठीक है. पुणे वरून घ्यायचे असले सर? हां इंस्टीट्यूट मधून घ्यायचे असले तर? इंस्टीट्यूट मध्ये पण तुम्ही जाऊ शकता, पण त्याची त्याची काय गरज नाही. जर तुम्हाला ऑफलाईन मिळत आहे तर तुम्ही लाईट डायरेक्ट प्रिंटर, कलर प्रिंटरने प्रिंट काढा, झाला प्रश्न सॉल्व. आजकाल सॉफ्ट कॉपीज चालतात, असं काही नाही की हार्ड कॉपीज पाहिजे म्हणून. यस शुभांगी जी वर्मा जी. यस सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, बोलिए. सर क्लास बहुत अच्छी थी, आपने जो भी सिखाया राम राम से बहुत अच्छा रहा, आपने जितना गैप लेके सिखाया अच्छा है उस तरीके से, क्योंकि हम लोग को भी प्रैक्टिस करने का टाइम मिल पाया, तो यही पॉजिटिव फीडबैक है. और मेरा मेन एम यही था कि मुझे जॉब लगना है, तो अब वो हमारे ऊपर है, हम कितना प्रैक्टिस करके करते हैं उसके लिए. राइट. इसमें मराठी में एक वर्ड है चिकाटी, ओके, और हिंदी में वर्ड है जुझारू. अगर आप जितने चिकाटी से, जितने जुझारूपन से प्रैक्टिस करोगे और जॉब सर्च करोगे, देखो ऐसा नहीं है कि कंपनियां आपके लिए जॉब परोस के रख रही है कि भाई ये जॉब शुभांगिनी के लिए है, ये जॉब पूजा के लिए है, या ये जॉब कार्तिक के लिए. आपको वो जॉब इंटरव्यू को क्रैक करना पड़ता है. राइट. एक जॉब का इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो दूसरा करने का, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा करने का कंटिन्यूसली. और दूसरा, आपको अभी केवल ई लर्निंग सोल्यूशन से कॉल आएगा, फिर हम लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इसके ऊपर डिपेंड मत रखो. मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ ना, तो आपके लिए पूरा मार्केट ओपन हो जाता है. आप अपना सीवी लिंक्डइन पे डालो, आप अपना सीवी नौकरी पे डालो, मॉन्स्टर पे डालो, शाइन पे डालो, जहाँ पे भी ओपन सोर्सेस है वहाँ डालो. हमारे इंस्टीट्यूट से भी आपको करीब 1400-1500 कंपनी के ईमेल आईडीज मिलते हैं, वो गाइड करेंगे हमारे सीनियर शामशर, तो उस पर आपको वो आपका रिज्यूम भेजना पड़ता है, तो कॉल आते रहते हैं उसको. तो डिस्करेज नहीं होना कि सर मेरा, मुझे कॉल नहीं आ रहा है, या मैं, मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है. करते रहो, जितना आप मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन होते रहेगा, सिस्टम प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है आपको, वो कंटिन्यूसली रखना है. आप हमारा ग्रिप इतना अच्छा आ जाना चाहिए कि किसी ने अगर मेरे को क्वेश्चन पूछा तो फटाफट मैंने उसका आंसर दे देना चाहिए. सिस्टम पे किसी ने बोल दिया कि कंपनी कॉन्फ़िगरेशन कैसा, मैं क्या क्या करते हैं, फटाक से हमको ध्यान में आना चाहिए, हाँ सर ये करते वो करते वो करते. ठीक है. Yes, sir. Any feedback, positive, negative? No, sir. सब ठीक चल रहा है? हाँ, sir. चलिए, yes, Mr. Vaibhav Arvekar. Yes, sir. Good evening. Good evening. All session was going good, sir. और आपका सर actually जो tune है ना सर, आपका पढ़ाने का, वो मुझे काफी पसंद आया है as compared to other class institute feedbacks. तो बेसिकली आपके इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे मेरे कलीग के ऑफिस के लड़के ने सजेस्ट किया था. तो उन्होंने ही सजेस्ट किया, एक्चुअली उन्होंने कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से किया था, लेकिन आपके बारे में, ई लर्निंग सॉल्यूशंस के बारे में बताया, तो मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था प्राजक्ता मैडम से, उसके बेसिस पे मैंने क्लास ज्वाइन किया था. तो सर एक चीज थी कि अभी सेशन के बारे में तो ठीक है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था. अभी जैसे मैं सर नागपुर में हूँ, मुझे पुणे स्विच करना है, तो और मेरा 10+ ईयर का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए क्या बेटर रहेगा? मतलब नागपुर से इंटरव्यूज जो है वो ज्यादा, मतलब ऑनलाइन वगैरह अटेम्प्ट्स के अपेक्षा ऑफलाइन, मतलब मेरे को पुणे स्विच करना चाहिए क्या?
आप ये कहना चाह रहे हो कि आप पुणे में रिलोकेट करोगे, फिर यहाँ से जॉब सर्च करना शुरू करोगे और फिर यहाँ पे मतलब जॉब जॉब करोगे, राइट? ऐसा आप कहना चाह हाँ रहे हो। अभी आपका नागपुर में करेक्ट जॉब चल रहा है, राइट? राइट आपका मनी मीटर चल रहा है, बराबर। तो उसको डिस्टर्ब मत करो। आजकल हम लोग, हमारे भी कंपनी में जो भी इंटरव्यूज होते हैं ना, हम लोग किसी का पर्सनली इंटरव्यू नहीं लेते, वो होता है सारा ऑनलाइन। आजकल वीडियो ऑन करो, आपका कैमरे से एक दूसरे का फेस टू फेस देखते हैं। आपको वो फिजिकली नहीं देखना चाहते, आपके अंदर का जो नॉलेज है, उनके क्वेश्चंस का आंसर अगर आप सही तरीके से दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर वर्केबल फॉर मी, मतलब आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके ओके अगर मैं भाई आप मेरे पास में टाई वाई पहन के आ गए हो, बहुत अच्छे से दिख रहे हो, स्मार्ट हो, शूज पॉलिश करके आया है, लेकिन मैंने अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो वो उसका कोई फायदा नहीं। तो आप क्या करो, ओके कंपनी अगर आपको बोलती है कि अप्लाई आप नागपुर से ही करो, अभी तो हम लोग इंटरनेट वर्ल्ड में जीते हैं, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? अगर आपकी कंपनी बोलती है कि आप फिजिकली आओ, हम फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, तब जाओ। लेकिन आप ये कहते हो कि भाई आप नागपुर से आपका जॉब ये करोगे, छोड़ दोगे और पुणे में आके कहीं रिलोकेट हो जाओगे, खराड़ी बोलो, कोथुड़ बोलो या हड़प्सर, कहीं भी रहोगे और वहाँ से आप जॉब सर्च करोगे। देखो जॉब जो ऐसा है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए परोस के रखा हुआ है और आप आते बराबर आपको जॉब मिल जाएगा। हजारों लाखों लोग हैं, हर कोई जॉब ढूंढ रहा है, राइट? तो आप जहाँ हो वहीं पे आप अपना जॉब कंटिन्यू करो और वहां से नया जॉब सर्च करो। जिस दिन आपको जॉब लगेगा उस दिन आपकी कंपनी को बताना, तब तक आपकी कंपनी को आप मत बताओ कि भाई मुझे, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? ओके जिस दिन आपको तो जॉब लगेगा उस दिन कंपनी को बोलो भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, उनका जो भी नोटिस पीरियड है आप सर्व करो, एंड देन यू कैन रिलोकेट टू पुणे, मुंबई, जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं, कंपनी वाइज सर प्रिफरेंस कैसा रहता है? मतलब लोकल पुणे जो है अभी रेसिडेंट्स, उसको ज्यादा स्कोप नहीं है नहीं या फिर आउट ऑफ पुणे? वो कुछ नहीं। अगर आपने उनको बोल दिया कि भाई मैं पुणे रिलोकेट होने के लिए तैयार हूँ, दे आर हैप्पी। ये बिल्कुल ओके क्राइटेरिया नहीं, वो पुणे का लोकल है कि वो इधर का है उधर का है। आपका नॉलेज अच्छा है, आप मेरे काम के बंदे हो, आप रिलोकेट होना चाह रहे ओके हो। आजकल तो हाइब्रिड वर्जन चल रहा है। हाइब्रिड प्रोसेस मतलब क्या है कि आप 2 हफ्ता ऑफिस में आके काम करो, 2 हफ्ता घर से काम करो, इस टाइप का चल रहा है। करेक्ट तो आपको लगता है कि नहीं, आपका घर जो है नागपुर में सेट हो, आप फैमिली वगैरह सब सेट है, ठीक है, आपको रिलोकेट नहीं करना है, बच्चे वही पढ़ रहे हैं, तो आप वही से काम करो 2 हफ्ते के लिए, कहीं लॉज वॉज ले लो या फिर कोई छोटा सा रूम ले लो अपना, आने का, काम करने का, फिर अपना नागपुर चले जाने का। बहुत सारे हमारे ऑफिस के लोग वैसे ही करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत दोनों चलता है, मतलब वर्क फ्रॉम होम भी चलता है और ऑफिस वर्क भी चलता है। ओके सर, सर ये जो अपन सीवी जब अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस वाले के केस में कैसा, मतलब उसको बनाने का प्रिपेयर करना? मैंने दिया है ना सीवी आप लोग को, एक्सपीरियंस वाला दिया है, हाँ प्रेशर वाला भी दिया है, तो आप अपना उसमें एक्सपीरियंस डालो। आप जो काम करते हैं ना वो भी एक्सपीरियंस डालना, ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो काम किया वो रिलेवेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आप बताओ कि मैं ये ओके काम करता था, फिर वहां से मैं एसएपी वर्ल्ड में आया। ओके आप अपना वो सब एक्सपीरियंस भी बताओ। तो सर जैसे अगर मैं 1 साल या 2 साल का एसएपी का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ तो उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं हम? उतना मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई मैं सोच रहा था कि आपसे एक थोड़ा सा गाइडेंस लूँ इस मैटर पे। तो उसमें कृष्णा सर हेल्प करेंगे आपको, ठीक है? आप उनसे, उनको ओके बोलना कि कुमार सर ने आपसे बात करने के लिए बोला है, तो वो, और अभी श्याम सर जो है वो आपका ये इंटरव्यू प्रिपरेशन का काउंसलिंग वगैरह भी लेंगे, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आपको आगे कैसा बढ़ना है, ओके सर ओके ओके ठीक है? सर ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन मतलब क्या डिफरेंट रहता सर उसमें? देखो ग्लोबल सर्टिफिकेशन मतलब एसएपी अपना सर्टिफिकेट देता है, ठीक है? ये जो प्रोडक्ट है एसएपी ईआरपी सिस्टम जो है, ये एसएपी का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो आप उनका एक ये होता है, एग्जाम होती है, वो एग्जाम आपको देना पड़ता है, और अगर आप वो एग्जाम पास कर देते हो तो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वो होता है ग्लोबल सर्टिफिकेशन, जो कि मैंने भी किया है।
अब उस सर्टिफिकेशन को करने के दो तरीके हैं। एक, आप डायरेक्टली उनका एसएपी का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, लेकिन उनका फीस उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, 1.5-2 लाख, मतलब अगर आप ऑनलाइन करते हो तो 2 लाख 3 लाख है, अगर ऑफलाइन करते हो तो वो 3-4 लाख के ऊपर जाता है, ठीक है, इतना फीस पे करना पड़ता है। अगर दूसरा एक तरीका ये है कि आप किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे SAP सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और आप डे इन डे आउट SAP में ही काम कर रहे हो और आपको 2 साल हो गए हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट सर्टिफिकेशन। मतलब आप SAP को ईमेल डाल सकते हो, आपका उसमें एक आपको प्रोफाइल, मतलब एक प्रकार से बायोडाटा बनाना पड़ता है कि मेरा ये एजुकेशन है, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और SAP में काम कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, और फिर वो प्रोफाइल आप अपने SAP को भेजते हो, आप SAP उसको अप्रूव करता है और फिर आपको लोकेशन देता है कि कहाँ पर आपका ये रहेगा, एग्ज़ाम रहेगा। अच्छा, उसका फीस होता है, मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया था तो मुझे 40,000 रुपये पे करने पड़े थे। 3 घंटे की एग्ज़ाम रहती है, उसमें 180 क्वेश्चंस रहते हैं और अराउंड मैं आई गेस 65% के ऊपर, 67% के ऊपर आपको मार्क्स आना चाहिए, 65-67 के ऊपर मार्क्स आना चाहिए, सो यू आर इन। अगर आपने मान लो वो 3 घंटे के इसमें आपका अगर फेल हो गया तो आपके 40,000 रुपये भी वेस्ट हो जाते हैं और फिर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से उतना पैसा पे करना है और एग्ज़ाम देना है। तो ये पहले था, अभी क्या किया SAP ने, ये मैं आपको ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी SAP ने उसमें चेंजेस किया है, वो आपको 2-3 अटेम्प देते हैं, ओके, मतलब आप एक मिनट होल्ड कीजिए, चार्जिंग का कुछ इश्यू हो गया, चार्जिंग का इशू क्या हो गया, सो मैंने भी उसी तरीके से किया था। पहले मैंने ऐसे कंपनी में जॉब किया जहाँ पे ऑलरेडी SAP इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, और SAP सिस्टम में काम किया और फिर मैंने मेरा बायोडाटा बनाया, बायोडाटा बना के SAP को भेजा, SAP ने उसको अप्रूव किया और फिर मुझे लोकेशन दिया था बैंगलोर का कि आप वहाँ जाके एक सर्टिफिकेशन दे सकते हो। उसके लिए मुझे कुछ 40-42 हज़ार रुपये पे करना था, बड़ा ओके, सो वो है। तो हाँ, इट इज, और देखो सर्टिफिकेशन का इम्पोर्टेंस बाद में है, पहला है कि आपका नॉलेज कितना है। अगर देखो आप, मेरा अभी इंटरव्यू चल रहा है और मेरे सामने 2 कैंडिडेट बैठे हुए, एक के पास में सर्टिफिकेशन है, दूसरे के पास में सर्टिफिकेशन नहीं है। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर जिस बंदे के पास में सर्टिफिकेशन नहीं है, वो बंदा मेरे को अच्छे से इसका आंसर दे रहा है, उसके कंसेप्ट पूरे क्लियर है, और जिस बंदे के पास में सर्टिफिकेशन है वो बंदा आंसर नहीं दे पा रहा है। तो मेरे लिए काम का बंदा कौन है भाई? मेरे को उसका सर्टिफिकेशन का ज़रूरत नहीं, उस बंदे के काम का ज़रूरत है, उसको कितना नॉलेज है। मुझे उसको अगर किसी प्रोजेक्ट में डिप्यूट करना है तो उसको काम तो करते आना चाहिए ना। तो सर्टिफिकेशन इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज योर नॉलेज। अब सर्टिफिकेशन हड़बड़ी मत करो, सर्टिफिकेशन आप करो लेकिन पहले SAP का अच्छे से नॉलेज ले लो, ठीक है, उसके बाद आप सर्टिफिकेट, धीरे धीरे आप लोग को खुद ही नॉलेज आ जाता है कि सर्टिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं है। अभी तो SAP ने थोड़ा सा इजी कर दिया है, मतलब पहले एक ही अटेम्प्ट देना पड़ता था, पास हुए तो आपका मतलब वो पैसा काम में आ गया ऐसा बोल सकते हैं आप, अगर फेल हो गए तो फिर से पैसा भरना पड़ता था। लेकिन अभी क्या होगा, आपको 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, मतलब एक बार फेल हो गए तो फिर से दे सकते हैं, फिर दूसरी बार ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। श्याम सर इसमें आपको गाइड करेंगे अच्छे से, ओके ओके सर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस और आई एम एक्सपेक्टिंग योर कोऑपरेशन इन फ्यूचर टू। डेफिनेटली, ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। देखिए, आपको तो मेरा शेड्यूल पता है, मेरे ऑफिस में सुबह 9:30 बजे से 6:30 बजे तक तो वहाँ एंगेज रहता हो, उसके बाद 7 बजे से लेकर तो 10 बजे तक ये क्लासेस रहती है और सुबह भी पैक रहता है। फिर भी मैं क्या कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं, जब कभी मुझे मौका मिलता है मैं उसको देख के आंसर करता हूँ, अदरवाइज हम लोग जब क्लास में मिलते हैं तो उसको रिप्लाई करता हूँ। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे साइड से थोड़ा डिले हो जाए, बट आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू, है ना, ओके, सो आई थिंक वी आर गुड टू कंक्लूड। आप लोगों को मतलब जॉब मिलता है तो गुड न्यूज़ बताइए मुझे, आई जस्ट नीड योर वन
WhatsApp message, sir, I got job in this company with this package. I'll be very much happy. मेरे स्टूडेंट्स कॉग्निजन में प्रोजेक्ट लीड बन के जाते हैं, 22.5 लाख रुपए का पैकेज है, कोई इन्फोसिस में चले गए, इन्फोसिस में 12.5 लाख का पैकेज है, कोई और कंपनी में मल्टीपल, देर आर सो मेनी पीपल आर प्लेस इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज विथ हैंडसम पैकेज. ठीक है, इसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है और आपका डेडिकेशन. आप बोलेंगे सर मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा, डॉक्यूमेंट से कर लूँगा. वैसा नहीं, जितना सिस्टम में आप घुसोगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आप उतने ही स्ट्रांग होते जाओगे आपके एरिया में. ठीक है, तो मेहनत कीजिए और रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ ई लर्निंग सॉल्यूशन. ठीक है, कीप इन टच, स्टे इन टच. थैंक यू, बाय बाय. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you.